मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के बाद अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना काल में लगाए गए 18 संविदा सफाई कर्मियों को कार्य से हटा दिया गया, जिसको लेकर अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नव युवक संघ द्वारा जिला मुख्यालय पर कोरोना काल में लगाए गए सफाई कर्मचारी को हटाए जाने के संबंध में प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि विश्व में फैली एक भयंकर महामारी के समय जब हर व्यक्ति अपने व अपने परिवार की सुरक्षा में व्यस्त था, ऐसे भयानक काल में आपके आदेशों पर संविदा पर 18 सफाई कर्मी लगाए गए थे। इन कर्मियों ने अपनी जान व अपने परिवार की सुरक्षा को दांव पर लगाकर पूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य किया, लेकिन दुर्भाग्यवश आज इन्हें यह कहकर हटा दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। इन सभी कर्मचारियों को अपनी व अपने परिवार के भरण पोषण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए नव युवक संघ ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करता है कि 18 संविदा सफाई कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जाए, नहीं तो अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नव युवक संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नव युवक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है आज हम लोग जिला हॉस्पिटल के अंदर कोरोना काल के अंदर 17 कर्मचारियों को संविदा पर रखा गया था। बताया गया था कि 15,000 रुपये महीना देंगे, लेकिन 7,300 रुपये दिए जा रहे थे और 8 महीने उनको खून पसीना चूसने के बाद में उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाता है। ये जबकि बहुत बड़ी विडम्बना है, देश के प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के इलाहाबाद के अंदर पैर छूते हैं, देश के सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का खिताब देते हैं, जगह जगह देश भर के अंदर सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सीएमओ कर्मचारियों को 17 कर्मचारियों को जिस टाइम पे परमानेंट कर्मचारी भी कोरोना वार्ड के अंदर जाकर क्या नाम है जो काम नहीं करता था, ऐसे में हमारे सफाई कर्मचारी अल्पकालीन वेतन के ऊपर काम कर रहे थे, 8 महीने उनको काम करने के बाद में बिना किसी वजह से हटा दिया जाता है। इसको लेकर 4 दिन से आज 5वां दिन है, वहाँ पर 17 कर्मचारी सीएमओ मुख्य द्वार पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं। आज हमने अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के माध्यम से सबसे पहले हमने जाकर वहाँ पर उनको धरने पर समर्थन दिया, उसके बाद में हमने सीएमओ साहब से वार्ता करी, उन्हें ज्ञापन दिया और अभी अभी हम जिलाधिकारी महोदय जी के नाम से सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जी को ज्ञापन देकर आ रहे हैं। हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई, जिस तरीके से 110 कर्मचारी एमडीए को लेकर कर्मचारी लामबंद हुए थे, मैं उम्मीद करता हूं कि इनके मुद्दे पर भी सभी कर्मचारी लामबंद होकर इनको न्याय दिलवाएंगे और अगर न्याय नहीं मिला तो बड़े पैमाने पर आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन